अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना, अपने चैनल कुक विद आमना के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फौरन से मिल जाए। आज मैं बना रही हूँ ट्रेडिशनल हॉट एंड सॉर सूप। इसके अंदर मैं आपको दूंगी 2-3 ऐसे टिप्स जिससे आपका सूप बनेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो बनाना स्टार्ट करते हैं हॉट एंड सॉर सूप, और मैं बताती हूँ कि इसमें मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने जा रही हूँ। हॉट एंड सॉर सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल का, और इधर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बटर। इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा आपके सूप में। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक को तो खैर मैंने पेस्ट लिया है, लेकिन जो लहसुन है उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। चाइनीज़ डिशेस में अदरक और लहसुन का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। अदरक और लहसुन जो है वो सौते हो चुके हैं, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिए हैं 1/2 कप गाजर बारीक कटी हुई, और मैंने यहाँ पर ली है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और मैंने यहाँ पर लिया है बंद गोभी 1 कप बारीक कटी हुई। आपने जो है सब्जियों को बहुत बारीक काटना है सूप के लिए, बिल्कुल भी मोटा नहीं काटना। एक तो ये है कि इसे जल्दी कुक हो जाएंगी, दूसरा इनका जो फ्लेवर है वो भी बहुत मज़े का आएगा। अब इसके अंदर मैंने शामिल करना है थोड़ा सा हरा प्याज। हरे प्याज से बहुत मज़े का जो है फ्लेवर आता है हॉट एंड सॉर सूप में। सूप के लिए इन तमाम सब्जियों को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज बहुत ही अजीब सा इसका फ्लेवर आएगा। सब्जियों का जो नेचुरल फ्लेवर है उसको हमने यहाँ पर कायम रखना है। सब्जियों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ चिकन। यहाँ पे मैं ले लिया है बॉइल्ड चिकन 1 कप के बराबर। जब आप हॉट एंड सॉर सूप बना रहे हैं तो आपको सब्जियों की कोई ऐसी कैद नहीं है, आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप डाल लें। आपके इसके अंदर कॉर्न भी डाल सकते हैं, और जो सब्जी आपको पसंद हो आप वो डाल लें। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 2 कप गर्म पानी। ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम उबाल आने तक पकाएंगे, और फिर इसके बाद इसके अंदर बाकी के मसाला जात शामिल करेंगे। ये मिक्सचर अब उबलना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक हसबे जायका या 1/2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ रेड हॉट सॉस, मैंने यहाँ पर अमेरिकन गार्डन की यूज़ की है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और ये है एक रेड सॉस जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप काइंडली जाके इस वीडियो को देख लें, और आप इसको बनाकर घर पर रख लें, क्योंकि ये तकरीबन चाइनीज डिशेज में डलती है। और यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून सिरका वाइट विनेगर। इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इस मिक्सचर के अंदर शामिल करी हूं 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको मैंने 3 खाने के चम्मच पानी में अच्छी तरह से मिक्स किया है। यहां पर मैं चम्मच को हिलाती जाऊंगी और जो है वो इसको मैं डालती जाऊंगी ताकि गुठलियां ना बने। इस मौके पे जो फ्लेम है वो आपका मीडियम होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून शुगर, जो इसको देगा एक बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर। यहां पे मैं आपको दूंगी इसकी दूसरी टिप। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूं 2 अंडों की सफेदी।
जब मैं सफ़ेदी डालूंगी तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंटना, फेंटे बगैर डालना है। और जब मैं सफ़ेदी को शामिल कर दूंगी तो फौरी तौर पे मुझे चम्मच नहीं चलाने, अदरवाइज़ वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको हिलाना है, थोड़ा सा पहले मैं पकने दूंगी। अब मैं चम्मच को हिलाऊंगी, आप देख सकते हैं कि जो मैंने एग वाइट डाला था वो अच्छी तरह से उसके जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन चुके हैं। आखिर में मैं इसमें दोबारा शामिल करूंगी थोड़ी सी स्प्रिंग अनियंस जो मैंने शुरू में भी डाली थी, और आपका सूप जो है वो रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सूप कैसा तैयार हुआ। ये सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होगा और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा।